हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आयुष्मान CAPF कार्ड की, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक वरदान है। आयुष्मान CAPF कार्ड जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो गृह मंत्रालय में उनके द्वारा इसे लाया गया है। और इसमें जो भी बल सदस्य काम करते हैं उनके लिए यह बहुत ही नेक काम किया गया है माननीय गृह मंत्री द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के टॉपिक में क्या क्या समझेंगे, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले इस आयुष्मान CAPF स्कीम क्या है उसके बारे में देखेंगे। दूसरा है कि इस CAPF स्कीम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं और क्या क्या बेनिफिट हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर इंट्रोडक्शन करेंगे NHA IT प्लेटफॉर्म की, कैसे काम करता है। फिर हम चौथे नंबर पे प्रोसेस फ्लो की बात करेंगे कि कैसे ये आपका काम करता है, प्रोसेस फ्लो में कैसे बेनिफिशरी वेरिफिकेशन होता है, इसमें कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, रीइंबर्समेंट की क्या प्रक्रिया है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और चौथा जो पाँचवा है वो हम इसमें रीइंबर्समेंट का जो वीडियो है, मॉड्यूल है, उसके बारे में देखेंगे। तो इस तरह से हम आज जो है इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं एक बार फिर से हम इसको। सबसे पहले है कि आयुष्मान CAPF जो स्कीम है ये वास्तव में क्या है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 23 जनवरी 2021 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इस स्कीम को असम में यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है जो उनके माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। यह ज्वाइंट इनिशिएटिव वेंचर है मिनिस्टर ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें कवरेजेंस है बेडबीन, आयुष्मान भारत और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF स्कीम। इसमें क्या क्या आपको दिया गया है? कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस में OPD IPD दोनों की इसमें व्यवस्था की गई है। OPD का मतलब है कि आप किसी भी डॉक्टर को जो इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आप दिखाते हैं तो ना तो डॉक्टर की फीस, ना ही अगर किसी तरह का कोई चेकअप किया जाता है तो उसके संबंधित कुछ आपको देना है, ना ही दवाओं का कोई खर्च आपको देना है। तो पूरी तरह से ये कैशलेस होगा, केवल जो भी पैसे हैं सब आपके कार्ड से कट जाएंगे। दूसरा है IPD, अगर आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है उस दशा में इस स्कीम के अंतर्गत किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है कि आप 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं या 10 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। आपको इलाज में जितना भी खर्च आएगा वह सब कुछ CAPF के पर्सनल्स को और उनके डिपेंडेंट को इसमें लागू है, वो इसमें इलाज करा सकते हैं। तो ये रही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये किस किस चीज में जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो इसमें सारी चीजें हैं, ये टाइम टेस्टेड किया गया है, स्टेज वाइज टेस्टेड किया गया IT प्लेटफॉर्म में और इसको लागू किया गया है। ये पूरी कंट्री में आज की डेट में लागू हो गई है ये स्कीम। अब सबसे पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी की बात जहाँ तक करें तो इसमें असम राइफल्स, BSF और सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, इसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल, ये सातों जो भी यहाँ की एजेंसियाँ हैं इसमें जो भी कार्यरत बल सदस्य हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि जो कार्यरत बल सदस्य हैं केवल उन्हीं को यह सुविधा प्रदान की गई है, जो रिटायर जा चुके हैं उनको इसमें अभी कोई सुविधा नहीं दी गई है। जो कार्यरत बल सदस्य हैं तथा उनके परिवार के जो डिपेंडेंट बल जो सदस्य हैं वो इसमें इलाज करा सकते हैं। इसमें आपको जैसा कि मालूम है कि प्रत्येक को एक कार्ड दिया गया है, आयुष्मान CAPF कार्ड दिया गया है, जो किसी बल सदस्य को तथा उसके फैमिली मेम्बर को सभी को इशू किया जाएगा। तो सबसे पहला है कि इसमें कहां कहां इलाज करा सकते हैं, कैसे कैसे करा सकते हैं, तो उसकी हम चर्चा करते हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं।
तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट देखेंगे, इसके बाद हम बेनिफिट की बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है जितने भी CGHS पैनल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल है वो सब इसमें शामिल हैं, और यह एक IT बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म है। इसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, पेपर बेस्ड प्रोसेस और ऑनलाइन वर्क फ्लो भी है, दोनों तरह से इसमें काम किया जा सकता है। इसमें जो बेनिफिशरी का जो चेकअप है वह पेपरलेस है, वेरिफिकेशन का उसमें किसी तरह से किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें रेफरल मैकेनिज्म भी काम करता है, मान लो एक हॉस्पिटल में काम नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा, तो वहाँ से आपको दूसरी जगह भी रेफर किया जा सकता है। यह क्लेम प्रोसेस इसका जो है बहुत ही आसान है, अगर आप किसी तरह का इसमें क्लेम करना चाहते हैं तो वह बहुत ही आसानी से ऑनलाइन क्लेम हो सकता है। तो ये इसके जो है कंपोनेंट्स हैं। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें केवल वन टाइम EKYC है, मतलब एक ही बार आपको कार्ड को केवल एक्टिवेट करना है। इसके बाद आप कहीं भी पूरे भारत में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं वह पूरी तरह से जो है फ्री होगा। इसमें दूसरी बात अगर बेनिफिट की करें तो सीमलेस एक्सेस है, सर्विंग पर्सनल कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में और उनके जो डिपेंडेंट हैं वो भी किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, पहले से ही बुकिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग ले सकते हैं। तीसरा यह कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट है, इसमें जिस प्रकार से डायग्नोस्टिक वगैरह जो भी किया जाएगा उनका भी कोई चार्जेज नहीं देना होगा, जिसके बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूँ। अगर आप किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं उस पर भी आपको पैसा नहीं देना है, किसी प्रकार का उसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है उसका भी नहीं देना है, किसी तरह की कोई अगर डायग्नोस्टिक किया जाता है उसका भी नहीं देना है, अगर दवा कुछ भी दवा दी जाती है उसका भी आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यह सारा जो फैसिलिटी है, चाहे वह CAPF हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, CGHS वेलनेस जो हॉस्पिटल सेंटर्स हैं वहाँ पर ये लागू है। आज की डेट में लगभग 44,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल इसमें जुड़ चुके हैं और लगभग बहुत सारे हॉस्पिटल इसमें अभी जुड़ने की कतार में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपके लिए, हम सभी के लिए वास्तव में यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जिसमें हम सबको बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि जो भी CAPF के बल सदस्य हैं उनकी तैनाती बहुत ही दुर्गम स्थानों पे होती है और उनके जो घर के सदस्य हैं उनका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन इन सारी फैसिलिटी में बहुत आसानी से किया जाएगा। अब हम IT प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि जो भी इम्पैनल्ड मॉड्यूल हॉस्पिटल हैं आप वहां पर जाएंगे, इसके बाद बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन आपने करवाया, मतलब आपने कार्ड दे दिया और जो भी दूसरे कार्ड है आधार कार्ड आप लेकर गए हैं उसको दे दिया, सर्विस ID कार्ड का एक फ़ोटो रखे हैं उसको दे दिया, तो तुरंत आपका बेनिफिशरी आइडेंटी हो कर दिया जाएगा और इसके बाद फिर आपका जो है कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और फिर अगर आप संयोग से मान लो कभी आप बीमार पड़ गए और कोई पैनल हॉस्पिटल आपके अगल बगल नहीं है, उस दशा में भी अगर आप इलाज करवाते हैं तो रीइंबर्समेंट की सुविधा है, मतलब आप जितना उस हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाने का जो भी पैसा दिया है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं और ऑनलाइन क्लेम करने पर वह CGHS रेट के अनुसार आपको उसका जो भी पैसा बनेगा वो दिया जाएगा। तो ये इसकी फैसिलिटी है। अब क्या है कि किस तरह से ये काम करता है, अगर हम इसके बात करें बेनिफिशियरी के बारे में, तो आपको मालूम है कि CAPF पर्सनल्स या उसके डिपेंडेंट सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इम्पैनल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अगर आपका कार्ड बन गया है CAPF आयुष्मान कार्ड तो इम्पैनल हॉस्पिटल में गए, इम्पैनल हॉस्पिटल के बाद जो है बेनिफिशियरी जो है आयुष्मान कार्ड CAPF कार्ड को दिखाएगा, अगर उसके पास बना हुआ है तो क्या होगा, PMAM द्वारा जो है उसको क्या किया जाएगा,
चेक किया जाएगा। चेक किया गया कहाँ पे? पीएमजय सिस्टम में चेक किया। जो ही चेक करेगा तो वो कार्ड क्या होगा, वेरीफाई हो गया, तुरंत वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होते ही क्या है, आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो यह है उसका सारा सिस्टम है और इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सपोज दैट अगर अभी तक आपको कार्ड नहीं मिला फिर भी आप इलाज कराने के लिए जाते हैं तो पीएमएएम जो है आप के द्वारा जो है आप फोर्स आईडी अपना बताते हैं तो वहाँ पे फोर्स आईडी देखा जाएगा। जो ही उसको आपका ऑनलाइन फोर्स आईडी कंप्यूटर पर दिखता है फिर इसके बाद वह ई केवाईसी आपका करेगा। एक केवाईसी मतलब आधार कार्ड और सर्विस आईडी के माध्यम से कर देगा कि आधार के द्वारा आपका ई ऑथेंटिकेशन कर देगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है आधार के माध्यम से आपका होगा। फिर इसके बाद आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी और ISA अप्रूव हो जाएगा और इस तरह से आप जो है इलाज करा सकेंगे। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो जो आपको दो आईडी आपको अपने पास रखनी पड़ेंगी। पहला है कि जो यहाँ आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस जो आईडी है उसका एक जेराक्स आपको रखना पड़ेगा। दूसरा है कि आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, डिपेंड कार्ड जो भी है आप उसको लेकर के आपको जाना पड़ेगा। ये दो कार्ड आपको आयुष्मान CAPF कार्ड के साथ लेकर हॉस्पिटल जाना है जहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाएगा उसकी बात करें तो सबसे पहले बेनिफिशियरी कहाँ पहुँचा कार्ड लेके, हॉस्पिटल में पहुँचा। फिर इसके बाद उसने क्या किया, मेडिकल कोऑर्डिनेटर से मिला। मेडिकल कोऑर्डिनेटर ने क्या किया, उसको जांच किया, उसके कार्ड को वेरीफाई किया। वेरीफाई करते ही क्या हुआ, बेनिफिशियरी क्या करने लगा, ट्रीटमेंट लेने लगा। ट्रीटमेंट करने के बाद वो दवा लिया। दवा लेने के बाद क्या हुआ, उस कार्ड को दिखाया। कार्ड में जितना भी पैसा आपका बना वह उससे निकाल लिया गया, मतलब आपका कैशलेस है कार्ड में। जितना भी हॉस्पिटल चाहेगा, जितना उसने खर्च किया आपके दवाओं में उतना उसको लिया जा सकता है, वो अपना आपका पैसा उसमें से काट लेगा। मतलब कि आपको कुछ नहीं देना, एक रुपए आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यह उसका पूरा प्रोसीजर है, आप किस तरह से जो है उसको अपना जो है इलाज करा सकते हैं। तो इस तरह का इसका फीचर है, बेनिफिशियरी जो है ऐसे इसमें ट्रीटमेंट ले सकता है। पूरा का पूरा उसने यहाँ पे ट्रीटमेंट देखो आपको दिखाया गया लेते हुए। इसके बाद फिर मेडिकल कोऑर्डिनेटर से बात करेगा, फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव आएगा, वहाँ पे वो क्लेम कर सकता है इसको, और फिर डॉक्टर के पास, और इसके बाद अकाउंट ऑफिसर के बाद, और इसके बाद फिर वह पैसा उसको हॉस्पिटल को ऐसे करके मिल जाएगा। तो मतलब ये यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट का सिस्टम है और यहाँ से यहाँ तक का जो है उसका प्रोसीजर है किस तरह से हॉस्पिटल को पैसा NHA द्वारा दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर इसमें दिखाया गया है, उसकी ही हम बात कर रहे थे। अब हम रीइंबर्समेंट की बात करेंगे। तो रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि मान लो कि आप किन्हीं कारणों से आपने इलाज लिया किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो इम्पैनल्ड नहीं है, उस दशा में आपको तुरंत इलाज मिल गया, फिर आपको क्या है एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उससे जो भी दवाओं का खर्च है उसको आपको बताना होगा, और इसके बाद जो है आप जो है ऑनलाइन उसको क्लेम करेंगे। ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको उसमें जो है आपका बैंक अकाउंट वगैरह आपको जोड़ करके रखना है जो भी है। इसके बाद फिर क्या है, आप जो भी मैंडेटरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपने ऑनलाइन उसको अपलोड कर दिया। अपलोड करते ही वो सब चेक होगा और आपका जितना भी पैसा बना था CGHS रेट के अनुसार वह आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ऐसा प्रोसीजर होने में डालने में लगभग आपका हो सकता है एक महीने का टाइम लग जाए, लेकिन आपका जो भी पैसा है वह आपको दिया जाएगा। यह पूरा इसका प्रोसीजर है। तो दोस्तों यही सारा प्रोसीजर है, आपको अभी मालूम चल गया होगा कि किस तरह से आप इससे ट्रीटमेंट से आप अपना लाभ ले सकते हो और बचाव कर सकते हो। इसमें ट्रीटमेंट की कोई एक सीमा नहीं है, आप कितने भी रुपए का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हाँ, आपको जब आपका कार्ड एक्टिवेट करवाना होगा तो आपके फैमिली के प्रत्येक बल सदस्य को लेकर के इम्पैनल हॉस्पिटल में जाना होगा, वहाँ पे वह एक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद से कभी भी उस कार्ड का यूज किया जा सकता है इलाज कराने के रूप में।
तो दोस्तों धन्यवाद, अगर मेरे द्वारा बताई जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे शेयर